नमस्कार, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत मानगो पुल से एक महिला ने खुद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि स्थानीय राहगीरों की तत्परता से महिला को बचा लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या करने पहुंची थी। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस महिला को रेस्क्यू कर अपने साथ थाने ले गई। क्यों पहुंची? क्योंकि मेरा ससुराल वाले लोग बोल रहे मेरे बेटा के साथ तुमको रहने नहीं देंगे और तुमको मरना है तो मारो, कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरा हस्बैंड का ये कहना है। कहाँ रहते हैं आप? हम डिमना रोड, डिमना बस्ती। और हस्बैंड? गोबर मैदान। हस्बैंड? हस्बैंड भी वही रहते हैं लेकिन अभी घर गए थे, उसके बाद 2 सप्ताह से ज्यादा हो रहा मेरे पास नहीं आए। लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज। कितना साल हुआ शादी का? अभी हम उसके साथ रिलेशन में 4 साल से रह रहे थे लेकिन अभी 2-3 महीना में मेरा उससे मतलब हम केस किए तो फिर मेरे से शादी किया। अच्छा, केस करने के बाद वो शादी किया। कौन थाना में लिख के दिए थे? आमुलीडी थाना में लिख के दिए। कहाँ पे हुई शादी? शादी हुई ये शीतला मंदिर में। साक्षी? हाँ, साक्षी। तो अभी हस्बैंड नहीं रह रहा आपका साथ? नहीं। उषा मंडल। उषा मंडल। उषा। हस्बैंड क्या करता है आपका? गाड़ी चलाता है। क्या नाम है हस्बैंड का? संदीप मछुआ। मतलब रखना नहीं चाह रहा आपको? नहीं, क्योंकि हम पहले से एक बार फिर शादी हुआ था तो मेरे हस्बैंड से मेरा सब कुछ छोड़ा छोड़ी हो गया। पहले एक शादी पहले हो चुका आपका? हाँ, इससे दूसरा शादी? हाँ, था ये मेरा, ये उसके साथ जो मेरे पहले हस्बैंड है उससे मैं एक बेटी भी है, उसके बाद ये मेरे को रखा था और उसके बाद सब कुछ जान के मेरे को रख करके मेरे से पैसा कौड़ी जितना भी मेरा जेवर ज्यादा जो कुछ भी था मेरे से सब कुछ इसका घर वाला ले लिया। उसके बाद मेरे को ऐसे लंटे छोड़ दिया, उसके बाद बोलो जाके मर जाओ। अच्छा, लड़का शादीशुदा था? नहीं, वो कुंवारा था। हाँ। आपसे किया फिर शादी? हाँ। ना वो मुलाकात कैसे हुआ था उससे आपका? वो दुर्गा पूजा में मुलाकात हुआ था किसी के घर पे 4 साल पहले। हाँ। अब रखना नहीं चाह रहे? नहीं। तो फिर जान देने का क्या मकसद हो रहा आपको? कहाँ जाए आप? कहाँ जाए? प्रशासन से मदद लीजिए ना। बहुत मदद लिया, मेरे को धमकी देता है तुम कुमारे ऊपर उल्टा केस कर देंगे बोल करके। कौन देता है धमकी? मेरे हस्बैंड। अच्छा, धमकी देता है? आपके घर वाले साथ? मेरे घर वाले बहुत गरीब है सर, मेरे घर वाले क्या कर सकते हैं। लड़का का परिवार वाला कुछ नहीं बोल रहा? नहीं, लड़का का घर वाला बोल रहा मेरे बेटे के साथ तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको कैसे मेरा बेटा रखेगा, नहीं रखेगा मेरा बेटा। सूचना मिली कि कोई महिला यहाँ पे कूदने के लिए वो जा रहे थे, जिससे कुछ यहाँ पे आसपास महिला आई दूध लेने के लिए, वो लोग देखी तो उसको रोक करके बचाया गया, उन लोगों की बचा लिया गया। हाँ। क्या कह रही है महिला? महिला से भी बात हम नहीं किए हैं, वो महिला मेरे साथ नहीं है, महिला आ रही है। आखिर वो सुसाइड करने क्यों आई? ये पूरी तरह जानकारी नहीं है, उसे पूछे नहीं है क्या, तो लेके जाएंगे तब बात करते हैं, वहाँ पर महिला थाना भेज देते हैं यहाँ से। तो खाली जानकारी मिला आप लोग को कूद रही है? हाँ। तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये बता दें कि डिमना तरफ की है। अच्छा, तो अभी क्या आप लोग इसको लेके जा रहे हैं? हाँ, महिला पुलिस आ रही है साथ में, इसको लेके महिला थाना भेज देते हैं। इसका प्रॉब्लम है, इसमें जांच किया जाएगा। हाँ, जांच किया जाएगा। अपना नाम बता दिए? मेरा नाम संतोष है।